जनपद में कोविड के नए वेरिएंट से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा पुराने कलेक्ट्री में इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर को स्थापित किया गया है, जिसके संबंध में जिलाधिकारी कृष्णा करूनीस ने बताया कि कोविड से निपटने के लिए हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं, लेकिन हम लोग जागरूकता पर विशेष ध्यान दे रहे हैं कि लोग बिना जरूरत के भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में ना जाएं। यदि वह जाते भी हैं तो सोशल डिस्टेंस का पालन करें और मास्क पहने और समय समय पर अपने हाथों को सैनिटाइज करें। इसके अलावा 17 ऑक्सीजन प्लांट क्रियाशील है। कोविड अस्पताल को भी अलर्ट पर रखा गया है, जिससे यदि कोई मरीज मिलता है भी तो उसके इलाज के लिए कोई दिक्कत ना हो। उन्होंने कहा, लोगों की सुविधा के लिए कोविड कमांड सेंटर को स्थापित किया गया है, वहां पर अधिकारी और कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। उन्होंने कहा कि अभी तक गोरखपुर में किसी तरह का मरीज नहीं मिला है, लेकिन तैयारी पूरी है। इसके अलावा हम लोग बूस्टर डोज लगवाने पर भी विशेष ध्यान दे रहे हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी कृष्णा करूनीस, एडीएम सिटी विनीत कुमार सिंह तथा उप जिला स्वास्थ्य शिक्षा एवं सूचना अधिकारी सुनीता पटेल ने कहा। बना रहे थे आप यहाँ तो ये आई है महिला हॉस्पिटल में आई है, तो इनको बताया गया है कि बूस्टर डोज खत्म हो गया है और लग नहीं पाएगा, यहाँ पे कोई कर्मचारी भी तो वो ऑनलाइन बुकिंग किए थे, तो वो ये कह रही है कि हम आए हैं और हमें लग नहीं रहा यहाँ कोई कर्मचारी भी नहीं है, हमको क्या तो सुनीता पटेल, डिप्टी DHIO। किस तरह से कोविड कमांड सेंटर यहाँ पे कार्य कर रहा है? कोविड कमांड सेंटर पूर्व की भांति फिर से तैयार हो गया है और अब सारे डॉक्टर जो पहले हेल्प डेस्क पे काम कर रहे थे, जिनकी ज़रूरत है उनको बुला रहे हैं हम लोग, आदेश बन गया है। मैडम एयरपोर्ट तो भी चेकिंग चालू हो गई है जो बात है। हाँ, आदेश मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय के द्वारा आदेश हुआ है, एयरपोर्ट पे भी जैसे सैंपलिंग हो रही है और कोविड सैंपलिंग, और बस स्टेशन रेलवे स्टेशन के लिए भी ड्यूटी लग चुकी है, और CMO ऑफिस से और यहाँ कोविड कमांड सेंटर से दोनों तरफ से तैयारियाँ सुनिश्चित हो गई है कि हम लोग कोविड का केस थोड़ा भी बढ़ता है तो हम लोग उसके लिए पूरी तरह तैयार हैं। अगर किसी तरह कोई समस्या तो क्या यहाँ पे कोई नंबर भी जारी किया जाएगा? यहाँ पे कोविड हेल्प डेस्क जो पहले से चल रहा है वो 24 घंटे क्रियाशील रहता है, वो कभी बंद नहीं हुआ है। अभी वहाँ से जैसे हेल्प डेस्क पे स्टाफ प्रॉपर 24 घंटे काम कर रहे हैं, और वहाँ हेल्प डेस्क पे और भी स्टाफ बढ़ाएंगे हम लोग, और हेल्प डेस्क का नंबर हमेशा बराबर जारी होता है। यहाँ पे 4 नंबर है जो मीडिया में हम लोग बराबर देते रहते हैं। कंट्रोल रूम किस तरह से कार्य कर रहा है? कोविड के संबंध में अभी शासन की तरफ से कुछ गाइडलाइंस आई हुई हैं, एक एडवाइजरी जारी हुई है जिसमें लोगों को मास्क पहनने की सलाह दी गई है, तो उसके लिए हम लोग पब्लिक को जागरूक करेंगे कि जो भी बाहर निकले तो मास्क धारण करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, क्योंकि ये सभी को पता है कि 2 गज दूरी मास्क है ज़रूरी, कोरोना से बचाव के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और कंट्रोल रूम हमारा इफेक्टिव तरीके से चालू हो गया है और उसमें काम करेगा, 24 घंटे हम ड्यूटियाँ लगा रहे हैं, और कहीं भी कोविड को लेकर कोई भी समस्या होती है तो उसके लिए हम लोग तत्पर हैं। जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अपनी तैयारी कर रहा है
और इस आने वाली आपदा की जो संभावना व्यक्त की जा रही है उसके लिए हम पूरे अपनी तैयारी पूरी रख रहे हैं। सर कुछ नंबर भी जारी किया है, कहाँ से बैठ करते हैं कोई? वो नंबर जारी किया जाएगा हमारी तरफ से और उसको हम मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से जनता को उपलब्ध कराएंगे। इन फोकस अवेयरनेस पे है ताकि लोगों को मैक्सिमम जागरूकता हो, इसमें आप लोगों से भी अनुरोध है कि मैक्सिमम लोगों को जागरूक करें कि अनावश्यक भीड़ वाली जगह पे ना जाएं और अगर जाएं भी तो प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, मास्क पहनें, सैनिटाइजर्स यूज़ करें। इसके अतिरिक्त जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर्स है उसको हम लोग चेक करा रहे हैं, जैसे जितने ऑक्सीजन प्लांट्स हैं, कॉन्सनट्रेटर्स हैं, जो पहले बने हुए अराउंड 57 हॉस्पिटल्स हैं, जो कोविड टेस्ट फैसिलिटीज़ है उसको हम लोग स्ट्रेंथन कर रहे हैं ताकि अगर किसी तरह की विपदा आती है तो उसके लिए हम लोग पूर्ण रूप से तैयार रहें। सर कंट्रोल रूम को भी चालू कर दिया है? हाँ, उसके लिए भी जो IEEE है उसको भी हम लोग तैयार करा रहे हैं, जितने भी अधिकारी कर्मचारियों की ड्यूटी तैनात कर दी गई है और इसको फॉलोअप करके, इनफैक्ट अभी पिछले 20 दिन से तो कोई केस नहीं आया है, लेकिन तैयारी हमें करना है और बूस्टर डोज पे फोकस करना है क्योंकि बूस्टर डोज का परसेंटेज, वैक्सीनेशन तो नियर अबाउट 100% है जनपद का, बूस्टर डोज हम लोग का एक प्रायोरिटी है, एटलीस्ट उसको वो हम लोग 100% करा लें ताकि लोग आने वाले वेव के लिए तैयार रहें। थैंक यू।